गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोग अच्छे होंगे। जैसे कि मैं आज आप लोगों के लिए फिर से लेके आया हूँ बॉयज़ की ये जो सेकंड सीरीज़ है दोस्तों, और जो हमारी फर्स्ट सीरीज थी, फर्स्ट जो वीडियो था, फर्स्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को बॉयज़ का बेसिक कॉन्सेप्ट बताया हुआ था। बेसिक कॉन्सेप्ट में मैंने आप लोगों को ये चीज़ समझाई हुई थी कि कैसे किसी भी सेंटेंस को आप पहचानें, किसी सेंटेंस को एक्टिव वॉइस है या पैसिव वॉइस, ये सब चीज़ें मैंने आप लोगों को बताई हुई थी। बाकी अगर किसी दोस्त को कोई भी डाउट रहा है प्रीवियस लेक्चर में, अभी भी आप पूछ सकते हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर जिन स्टूडेंट ने हमारा प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा हुआ, प्रीवियस लेक्चर जरूर देख लीजिए, क्योंकि पुरानी चीज़ें अगर आप देखेंगे तो जो नई चीज़ आप उसके बाद वाली पढ़ेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगी। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो वॉइस की जो बात करते हैं, वॉइस सबसे पहले तो बात करते हैं वॉइस होते कितने टाइप के हैं और वॉइस होता क्या है। देखिए वॉइस का मतलब सिंपल सेंस में बात करें, एक वाच्य होता है। शुद्ध हिंदी में अगर मैं बात करूं तो वॉइस को हिंदी में वाच्य कहा जाता है। क्या बोलते हैं स्टूडेंट? वाच्य कहा जाता है। और ये जो वाच्य होता है, वाच को हम मतलब किसी भी सेंटेंस का अगर हम वाच्य चेंज करेंगे तो उसको हम दो टाइप से चेंज कर सकते हैं। या तो हम सब्जेक्ट को मेन मान लेंगे वहां पे, या तो ऑब्जेक्ट को मेन मान लेंगे। जैसे मैंने सेंटेंस बात करी एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस, ध्यान से समझिएगा दोस्तों, मैं गारंटी दे रहा हूं आपको जरूर समझ में आएगा। एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस जो होता है ये कर्तवाच्य होता है, ये इसको कहते हैं कर्तवाच्य। मतलब ये जो एक्टिव वॉइस सेंटेंस होता है उसमें सब्जेक्ट को मेन माना जाता है, और पैसिव वॉइस में कर्मवाच्य से क्या कहते हैं दोस्तों, कर्मवाच्य कहा जाता है। मतलब सिर्फ ये है कि अगर किसी भी सेंटेंस में कर्ता को मेजर पर्सन मान के हम सेंटेंस बोल रहे हैं तो वो एक्टिव वॉइस माना जाएगा। दूसरा, अगर हम उसी सेंटेंस को ऑब्जेक्ट को मेन मान के अगर हम बात कर रहे हैं तो वहां पर वो कर्मवाच्य। जैसे यानी बात करें, मैंने एक पत्र लिखा, हिंदी में लिख देते हैं तो थोड़ा सा चीजें ज्यादा समझ में आएंगी। पहला सेंटेंस, दूसरा मैं वहीं पर लिख दूं, मेरे द्वारा एक पत्र लिखा गया। दोस्तों कमेंट करके करते जाइएगा, कोई भी डाउट आ रहा है अगर आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो। जैसे यहाँ पे ये सेंटेंस लेते हैं तो इसका जो होगा, आई रॉट अ लेटर, ये तो आप लोगों को पता होगा, आई रॉट अ लेटर, मैंने कोई एक लेटर लिखा। तो ये चीज़ सभी को समझ में आ गई होगी, मैंने एक लेटर लिखा, सभी को पता है। दूसरा, मेरे द्वारा एक लेटर लिखा गया। जब मेरे द्वारा लेटर लिखा गया तो यहाँ पे मेरे द्वारा जो लिखा जा रहा है तो इसको हम बाई मी मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, बट क्या लिखा जा रहा है, एक पत्र लिखा गया। तो ये जो पैसिव वॉइस होता है, अ लेटर वाज रिटन बाय मी। दोस्तों याद रखिएगा, दोनों सेंटेंस में जो काम करने वाला आदमी है वो एक ही आदमी, ऐसा नहीं है कि एक सेंटेंस में दूसरा आदमी काम कर रहा है और दूसरे सेंटेंस में दूसरा आदमी काम, दोनों सेंटेंस में काम एक ही कर रहा है, वो मैं कर रहा हूं। मैंने उसमें भी पत्र लिखा था, इस सेंटेंस में देखिए यहां पर मैंने ही इसमें लेटर लिखा था और मैंने ही इसमें भी लेटर लिखा है, बात एक ही हुई है। बस यहाँ पे ऑब्जेक्ट को मेन पर्सन मेन सब्जेक्ट मेन तरीके से यूज करा गया है। यहाँ पर सब्जेक्ट जो ऑलरेडी है, मैंने अपने आप को यहाँ पर मेन पर्सन मान, तो चीजें सेम होती हैं। और याद रखिए बस, सेंस क्या होता है, यहाँ पे सब्जेक्ट को मेन मानते हैं, यहाँ पर ऑब्जेक्ट को मेन मानते हैं, और दोनों का सेंस सेम होता है। जैसे मैं एक सेंटेंस ले देता हूँ, जैसे मैं बात करूँ कि मैं गरीब नहीं हूँ, आई एम नॉट रिच, सॉरी आई एम नॉट पुअर, तो मैंने बात की कि मैं पुअर नहीं हूँ। दूसरा मैंने कह दिया आई एम रिच, आई एम रिच, तो बात तो दोनों की एक ही है ना। चाहे मैं बात करूं कि मैं गरीब नहीं हूं या फिर मैंने बात करी अमीर हूं, तो बात तो एक ही है। तो ये जो सेंटेंस होते हैं दोस्तों, इनको ट्रांसफॉर्मेशन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? ट्रांसफॉर्मेशन। क्या कहते हैं? ट्रांसफॉर्मेशन भी कहा जाता है। तो दोस्तों जो आपकी एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस की जो सीरीज होती है, इस सीरीज में बहुत सारे ऐसे सेंटेंस होते हैं जो मैं आप लोगों को आज समझाऊंगा, और कुछ बेसिक चीजें भी आज आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे आप पैसिव वॉइस को चेंज करते हैं और कैसे हम ऑब्जेक्ट सीरीज को, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो ये आप तुम आई थिंक आप लोग लिख लिया होगा, समझ में भी आ गया होगा, दोनों चीजें सेम होती हैं। तो ये जो सीरीज होती है दोस्तों आप लोगों की, इस सीरीज के भाव पे याद रखिएगा आप लोग, इसे आप ट्रांसफॉर्मेशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रांसफॉर्मेशन क्यों कहते हैं? क्योंकि देखिए ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, ट्रांस मीन्स बदलना, फॉर्मेशन मीन्स फॉर्म। अगर किसी भी चीज की फॉर्म को बदलना है, हमने एफर्मेटिव सेंटेंस था उसको नेगेटिव बना दिया,
निगेटिव था, एफर्मेटिव बता दिया, बट सेंटेंस का सेंस तो सेम था ना। वैसे ही हम एक्टिव वॉइस को जब पैसिव वॉइस बना रहे हैं तो काम तो एक ही आदमी कर रहा है और काम वही हो रहा है, ऐसा तो नहीं काम कोई दूसरा आदमी कर रहा है। तो ये जो सेंटेंस होते हैं आपके ट्रांसफॉर्मेशन भी कहलाते हैं। और जो ट्रांसफॉर्मेशन बात की, अगर क्लास ट्वेल्थ में, क्लास ट्वेल्थ में ऑलरेडी इसमें 7 और 8 टॉपिक हैं, ऐसे ही 7 और 8 टॉपिक हैं जिसमें आपकी डिग्री ट्रांसफॉर्मेशन भी आती है, इसके बाद एफर्मेटिव टू निगेटिव भी आता है, इसके बाद रिमूव ऑफ टू भी आता है। तो इस टाइप के 7 और 8 टॉपिक्स हैं, वो आप लोगों को मैं इसी सीरीज में धीरे धीरे करके आगे पढ़ाता चला जाऊंगा। तो आज मैं आप लोगों को जो पढ़ाऊंगा वो आपको बॉयस टॉपिक पढ़ाऊंगा। तो समझ में आ गया दोस्तों, पैसिव वॉइस आप लोगों को थोड़ा सा समझ में आया होगा। अब ट्रांसफॉर्मेशन के लिए मैं कुछ रूल्स आप लोगों को बताता हूँ कि ट्रांसफॉर्म करते कैसे हैं। देखिए, जब भी आप किसी भी चीज को ट्रांसफॉर्म करें तो उनकी आप हमेशा स्टेप याद रखिए। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ एफर्मेटिव सेंटेंस, दूसरा एसर्टिव लिख लेता हूँ। एसर्टिव सेंटेंस, एसर्टिव सेंटेंस को हम चेंज कैसे करते हैं, वन सेकंड, सॉरी। एसर्टिव सेंटेंस को चेंज करा कैसे जाता है, देखिए जो एसर्टिव सेंटेंस होते हैं आप लोगों को पता है, एसर्टिव में दो पार्ट होते हैं, कमेंट करके बताइए कि कौन कौन से होते हैं। अगर आप लोगों को पता है तो अच्छी बात है, बाकी मैं आपको बताऊंगा। तो यहां पे सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट स्टेप समझिए, स्टेप फर्स्ट, स्टेप फर्स्ट हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम सेंटेंस को आइडेंटिफाई करेंगे कि वो जो सेंटेंस है आपका एक्टिव वॉइस में या पैसिव वॉइस में। अगर एक्टिव में है तो उसको पैसिव में बदलेंगे, पैसिव में है तो एक्टिव में बदलेंगे। पहला स्टेप आपको समझ में आया, तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, आइडेंटिफाई द सेंटेंस, आइडेंटिफाई द सेंटेंस, पहला स्टेप। याद रखिए दोस्तों, अगर तो आप स्टेप वाइज करेंगे तो मैं सच बता रहा हूँ, गारंटी आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो जैसे कि दोस्तों ये कमेंट आना स्टार्ट हो गया, एसर्टिव सेंटेंस दो होते हैं आपके, एक होता है एफर्मेटिव और दूसरा होता है निगेटिव, इसी को सिंपल सेंटेंस बोला जाता है दोस्तों। कुछ लोग इसको पॉजिटिव भी बोलते हैं, इसी को कुछ लोग पॉजिटिव भी बोलते, दोनों चीजें सही होती हैं और सेम मानी जाती हैं। तो यहां पे सबसे पहले तो हमने स्टेप वन क्या लिया, आइडेंटिफाई द सेंटेंस, स्टेप टू दूसरा स्टेप, आइडेंटिफाई सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। आइडेंटिफाई क्या करेंगे, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को, सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई, सब्जेक्ट में करता क्या है और उसका ऑब्जेक्ट क्या है। अगर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है तो याद रखिए वो पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। सबसे पहली बात याद रखिएगा, किसी भी सेंटेंस में अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो पैसिव वॉइस नहीं बनेगा, ये चीज अच्छे से याद रखिएगा। एक दो सेंटेंस होते हैं जो स्पेशल केस होते हैं जिनमें बन जाता है, बट 99.99 केस जो होते हैं अगर उनमें ऑब्जेक्ट नहीं है तो वो पैसिव वॉइस नहीं बनता है। तो सबसे पहले हमें सब्जेक्ट डिफाइन करना है और ऑब्जेक्ट डिफाइन करना है। समझ में आया, स्टेप थर्ड दोस्तों, मैं गारंटी ला रहा हूं थोड़ा सा स्पीड मैंने स्लो रखी है। अगर किसी को लग रहा है कि स्पीड थोड़ी सी स्लो है, अभी तो लाइव क्लास चल रही है, जैसे कि अभी आप इसको आगे नहीं स्किप कर पाएंगे, बट जैसे ही वीडियो अपलोड हो जाएगी जनरली आप सभी लोग कॉर्नर में देखिए 3 पॉइंट्स आ रहे हैं, वहां पे क्लिक करके वीडियो की थोड़ी सी स्पीड आप बढ़ा लीजिए। तो आप लोगों को, जिन लोगों को लग रहा है कि पढ़ा हुआ है तो चीजें समझ में ज्यादा आएंगी। स्टेप थर्ड, स्टेप थर्ड में क्या करते हैं, अगर सब्जेक्ट एक्टिव है तो आप एक्टिव सब्जेक्ट को, एक्टिव सब्जेक्ट को चेंज करते हैं पैसिव ऑब्जेक्ट में, किसमें, पैसिव ऑब्जेक्ट में, किसमें दोस्तों, पैसिव ऑब्जेक्ट में। जैसे अगर किसी भी सेंटेंस का पैसिव सब्जेक्ट है, मान लीजिए सब्जेक्ट राम है, तो यहां पे आप पैसिव ऑब्जेक्ट राम ही होगा। अगर आप प्रोनाउन चेंज करें, जैसे यहां पर ही दिया है, तो इसका जो पैसिव ऑब्जेक्ट हो जाएगा वो हिम हो जाएगा। ये बात समझ में आई दोस्तों। तो सबसे पहले अपने माइंड में सेट रखेंगे, एक्टिव सब्जेक्ट को पैसिव ऑब्जेक्ट बनाएंगे। क्या बनाएंगे, एक्टिव जो सब्जेक्ट, एक्टिव सेंटेंस का जो सब्जेक्ट आपने पहचाना था उसको आपको क्या बनाना है, पैसिव का ऑब्जेक्ट। दो पॉइंट समझ में आया आपको। थर्ड, स्टेप फोर, स्टेप फोर समझिए, स्टेप फोर में क्या करना है आपको, यूज प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन यूज करेंगे बिफोर पैसिव ऑब्जेक्ट, पैसिव ऑब्जेक्ट। अब थोड़ी सी चीज समझने लायक है यहां पे, कॉमनली यहां पर आप बाई यूज करेंगे, बट यहां पर जो आप यूज करेंगे कॉमनली यूज क्या करेंगे, क्या यूज करेंगे यहां पे, बाई यूज करेंगे। अगर आप चाहें तो यहां पे टू,
फॉर, सॉरी टू, विथ और एट ये भी यूज कर सकते हैं। ये मैं आपको रूल अभी आगे बताऊंगा कि कहां पर टू यूज करते हैं, कहां पर बाई यूज करते हैं, कहां पर विथ, कहां पर एट। अभी आप जनरली याद रखिए माइंडसेट कि सिर्फ आपको बाई यूज करना है, याद रखिए दोस्तों सिर्फ आपको बाई यूज करना है। तो आपने जो पैसिव एक्टिव सब्जेक्ट को पैसिव ऑब्जेक्ट बनाया, इसके बाद आपको क्या यूज करना है, प्रीपोजिशन यूज कर देना है इसके पहले। स्टेप फाइव में अभी आपने जब पैसिव सब्जेक्ट को पैसिव ऑब्जेक्ट बनाया था तो जो एक्टिव ऑब्जेक्ट है क्या है दोस्त, एक्टिव ऑब्जेक्ट है उसको आप क्या बनाएंगे, पैसिव सब्जेक्ट। क्या बनाएंगे दोस्तों, पैसिव सब्जेक्ट। समझ में आया या नहीं आया दोस्तों, जैसे यहाँ पे पैसिव एक्टिव ऑब्जेक्ट है, सपोज यहाँ पे हिम दिया है या कोई भी लेटर वर्ड दिया है, थोड़ा सा नीचे हो रहा है आई थिंक, हिम दिया है तो यहाँ पे ही हो जाएगा, ऑब्जेक्ट अगर लेटर दिया है तो लेटर है। याद रखिए प्रोनाउन का ही ये चेंज होता है, और प्रोनाउन की लिस्ट जनरली सभी को पता होगी, अगर नहीं पता है तो दोस्तों मैं कोशिश करूंगा आप लोगों को बनवा दूं। तो ये स्टेप आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका फास्ट, और कमेंट करिए ये जो स्टेप है आप लोगों को समझ में आए या नहीं आए, फास्ट कमेंट करिए। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं स्टेप नंबर सिक्स। ओके स्टेप सिक्स में यहीं पे लिख देता हूं आप लोगों का। ये छोटे छोटे स्टेप हैं दोस्तों, याद रखिए स्टेप अगर आप फॉलो करेंगे तो आपको कभी भी एक्टिव पैसिव में दिक्कत नहीं है। स्टेप सिक्स देखिए, स्टेप सिक्स में क्या करना है, अब आपको आइडेंटिफाई करना है कि टेंस कौन सा है, आइडेंटिफाई करना है कि टेंस कौन सा यूज हो रहा है इसमें। आइडेंटिफाई क्या करना है आपको, टेंस ही कौन सा यूज कर रहा है। इसके बाद स्टेप, इसका जो नेक्स्ट स्टेप रहेगा दोस्तों, स्टेप सेवन क्या रहेगा, आइडेंटिफाई द सेंटेंस, आइडेंटिफाई द सेंटेंस। अब यहां पे आपको टेंस कौन सा मिलेगा, प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट का इंडेफिनेट है या फिर पास्ट का इंडेफिनेट है, फ्यूचर का इंडेफिनेट है, प्रेजेंट का कंटिन्यूअस है, पास्ट का कंटिन्यूअस है, फ्यूचर का कंटिन्यूअस है, ये सब चीजें आपको मिलेंगी। अब इसके बाद आपको आइडेंटिफाई करना है सेंटेंस, सेंटेंस आइडेंटिफाई करना है सेंटेंस। तो सेंटेंस आपका कौन सा है, एसर्टिव है या फिर एसर्टिव है या फिर आपका कोई इंटरोगेटिव है या जो भी है, उसके मैं अलग अलग आप लोगों को स्ट्रक्चर बनाऊंगा तो आप लोगों को समझ में आ जाएंगे। तो अब आपका जो सेंटेंस है चेंज हो चुका है, अब आपने स्टेप समझिए आगे, स्टेप सेवन हो गया आपका, 10 स्टेप रहेंगे और स्टूडेंट गारंटी ला रहा हूं आपको इसके बाद कभी दिक्कत नहीं आएगी। स्टेप 8 समझिए, स्टेप 8 में अब आप क्या करेंगे, आपने सेंटेंस डिफाइन कर लिया और टेंस डिफाइन कर लिया, तो आप अब यहां पे जो यूज करेंगे याद रखिएगा स्ट्रक्चर इसका आप यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे, स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर क्या यूज करेंगे वो आप, ये आप स्ट्रक्चर आप जरूर लिखिएगा बहुत अच्छे से, ये स्ट्रक्चर आप लोग बहुत अच्छे से याद रखिएगा कि स्ट्रक्चर क्या रहेगा। अभी मैं जो स्ट्रक्चर दिखा रहा हूँ आपका एसर्टिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर दिखा रहा हूँ, स्ट्रक्चर जो रहेगा एक्टिव स्टेप एट में, आपने पैसिव सबसे पहले क्या लिखना है, पैसिव सब्जेक्ट जो आपने चेंज करा था। अब आपने क्या करना है कि ये जो एक्टिव सब्जेक्ट है, एक्टिव सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही आपको हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है, क्या यूज करनी है दोस्तों, हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है एक्टिव सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। याद रखिएगा ये आपको चेंज करके रखना है, सपोज आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो उसमें प्रेजेंट कंटीन्यूअस की हेल्प वर्ब लगे, ये मैं लिस्ट अभी आपको इसके बाद बता दूंगा। तो यहां पर इसको आप याद रखिएगा हेल्पिंग वर्ब जो है इसको आप अकॉर्डिंग टू रूल रखिएगा, अकॉर्डिंगली, ठीक है याद रखिए अकॉर्डिंगली हेल्पिंग वर्ब यूज करी, प्लस जो मेन वर्ब है आपकी उसकी थर्ड फॉर्म क्या यूज करनी है आपको, मेन वर्ब जो दी गई उसकी थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, प्लस प्रीपोजिशन यूज करेंगे आप, प्रीपोजिशन यूज करेंगे, प्लस प्रीपोजिशन जो आप यूज करेंगे ऐसा नहीं है कि बाई ही आएगा, कॉमनली बाई आ जाएगा, एट आ जाएगा, विथ आ जाएगा, इन आ जाएगा, ये कुछ कॉमनली हैं जो यूज करे जाते हैं, बट जनरल बाई ही यूज करना है आपको। इसके बाद ऑब्जेक्ट कौन सा, पैसिव ऑब्जेक्ट। दोस्तों समझ में आ गया होगा आपको, किसी का कोई भी डाउट है कमेंट करिए कि हाँ सर मुझे ये चीज समझ, ये जो चेंज करने का रूल है, देखो मैं आप लोगों का टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ, सिर्फ यहाँ पर सिर्फ मैं आपको टाइम वेस्ट नहीं करूंगा,
आपको मैं सिर्फ कंटेंट बताऊंगा, जनरली सभी को पता है कि कौन से चेंज होते हैं कौन से चेंज नहीं होते हैं। और कल के लेक्चर में दोस्तों मैं आप लोगों को वो सारी चीज़ें बताऊंगा जो चेंज नहीं होती, याद रखिएगा। जो कुछ सेंटेंस होते हैं जो चेंज नहीं होते हैं वो भी बताऊंगा। तो आप लोगों ने ये तो जानते होंगे कि कौन से चेंज नहीं होते हैं, बट क्या आपको ये पता है कि वो चेंज क्यों नहीं होते हैं? नहीं पता होगा। अगर किसी को पता है तो कमेंट करके बताइए। कल के लेक्चर में जो नेक्स्ट लेक्चर रहेगा आपका, उस लेक्चर में मैं आप लोगों को ये चीज़ें बताऊंगा ये चेंज क्यों नहीं होता, उसका रीजन क्या है, पर्पज क्या है, क्यों चेंज नहीं होता, वो मैं आपको कल के लेक्चर में बताऊंगा। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। आपकी ये थोड़ी सी लिस्ट में बनवा देता हूं आपको, और कल के लेक्चर में आपको वो मैं समझाऊंगा कि कैसे करते हैं। लिस्ट आप लोग खुद भी लिख सकते हैं, बाकी अगर आप चाहें तो यहाँ पे मैं बता दूंगा। कोशिश मैं करूँगा यहाँ पर ना बताऊँ, ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि चीज़ें मैं टाइम वेस्ट नहीं करना। मैं लिस्ट बनाऊंगा, थोड़ा सा टाइम ऑलरेडी आपको बताया जाएगा। बाकी आप लोग अगर चाहें तो हमारा टेलीग्राम चैनल है एडूवर्स, आप सर्च करेंगे टेलीग्राम पे, वहाँ पर मैं इसकी बहुत सारी और भी लिस्ट मैंने सेंड कर रखी है, आप वहाँ से सर्च करिएगा, वहाँ से आपको मिल जाएगी। तो सेंटेंस ले लेते हैं हमें, महिमा राइट्स, बहुत छोटे पैटर्न से मैं ले रहा हूँ, बहुत छोटे पैटर्न से ले रहा हूँ, इतना छोटा पैटर्न कोई आपको नहीं बताएगा। तो देखो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था, आइडेंटिफाई सेंटेंस का जो ऑब्जेक्ट है और उसके सब्जेक्ट को मैं आइडेंटिफाई करना था। सबसे पहला स्टेप क्या था, उसके सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई, सब्जेक्ट को मुझे आइडेंटिफाई किया ऑब्जेक्ट को। अब इसके बाद हमने क्या करा, इसको इसके मतलब इन दोनों को क्या करना है, पैसिव, ये एक्टिव है, ये क्या है, ये आपका एक्टिव सेंटेंस, यहाँ पे पैसिव बना रहा हूँ। तो यहाँ पे आपको करना क्या है, ये जो एक्टिव सब्जेक्ट है इसको क्या बनाना है, पैसिव सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे आपने महिमा लिख दी है, समझिएगा दोस्तों, ये आपका ऑब्जेक्ट है। अब ऑब्जेक्ट फाइंड करने के किसी सेंटेंस में आप वर्ड यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं, वर्ड यूज करते हैं, कॉमनली वर्ड यूज करोगे आपको ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। महिमा लिखती है, क्या लिखती है, ऑब्जेक्ट, क्या लिखती है, ऑब्जेक्ट, और लिखने के लिए ऑब्जेक्ट मतलब कर्म, वो क्या लिखती है, लेटर। आप सेंटेंस में व्हाट यूज कर दीजिए आपको ऑब्जेक्ट मिल जाएगा, याद रखिएगा, सेंटेंस में व्हाट यूज करने का ऑब्जेक्ट मिल जाएगा, बाकी आगे के रूल में और समझाऊंगा। तो यहाँ पे लेटर ऑब्जेक्ट हो गया, तो यहाँ पे मैंने अ लेटर लिख दिया, समझ में आया दोस्तों। अब इसके बाद आपको अब क्या डिफाइन करना है, सेंटेंस का टाइप कौन सा है, ये याद रखिए, अगर ऑब्जेक्ट दिया ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रिप्लेस करना है, इसको यहाँ रिप्लेस, सभी को पता होगा। इसके बाद इसके अकॉर्डिंग, रूल के अकॉर्डिंग आपको बताया था ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, कौन सा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, इसका जो चेंज होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में चेंज होता है, किसमें चेंज होता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में। देखिए दोस्तों मैं यहाँ पर लिस्ट नहीं बना रहा हूँ, चाहूँ तो मैं लिस्ट बनवा दूँ, बट वो मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ बस आप लोगों का। तो यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट में आप जब चेंज करेंगे तो किसमें बनता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में, किसमें, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में जाएगा तो यहाँ पे इज, एम या आर में से एक चीज आएगी, तो यहाँ पे एज आएगा, एम आएगा, आर आएगी, क्या आएगा दोस्तों, एज आएगा, तो एम और आर को मैं हटा देता हूँ। इसके बाद स्ट्रक्चर आपको याद होगा, मैंने बताया था रिटन बाई महिमा, समझ में आया दोस्तों या नहीं आया कमेंट करके बताइएगा, आपको फास्ट कमेंट करिए स्टूडेंट्स, बहुत छोटा सेंटेंस है। इसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस ले लेते हैं, उसका क्वेश्चन आंसर आप खुद राइट करेंगे, माइस कैच, माइस कैच नहीं करते हैं यहाँ पे, कैट्स, कैट्स कर देता हूँ, कैट्स कैच माइस, कमेंट करिए आप इस क्वेश्चन का आंसर राइट करिए, फास्ट कमेंट करिए आप लोग, एक्टिव जनरली सभी को आता तो हो गई, थोड़ा सा मैंने स्टार्टिंग बताई है ताकि आप लोग को मैं आगे रूल बताऊँ तो प्रॉब्लम ना हो, फास्ट कमेंट करिए दोस्तों आप लोग। ओके चलिए इस क्वेश्चन का आंसर लिखते हैं। यहाँ पर देखिए कैट्स यूज हुआ है और ये माइस है, ये आपका माउस का प्लूरल, किसका दोस्तों, ये माउस का प्लूरल है, याद रखिएगा क्या है। तो यहाँ पे आपको पता है जो बिल्लियां हैं वो पकड़ती हैं, क्या पकड़ती हैं, किसको, चूहों को पकड़ रही। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, सबसे पहले माइस को यहाँ यूज कर लेंगे, इस कैट्स को यहाँ यूज कर लेंगे, समझ में आ गया होगा दोस्तों। इसके बाद यहाँ पे आप लोगों को पता है प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज हुआ है, तो माइस इज हुआ है, आर हुआ, क्या होगा दोस्तों, प्लूरल है, माइस आर क्या हो जाएगा दोस्तों, कॉट बाई कैट्स, समझ में आया दोस्तों या नहीं आया कमेंट करके बताइएगा, किसी का कोई भी डाउट है कमेंट कर दीजिए। चलिए मैं एक काम करता हूँ, आप लोगों को जो लिस्ट है वो मैं बना देता हूँ, आज मैं लिस्ट बता देता हूँ और
ये जो चेंजेस है ये आपकी प्रॉब्लम क्लियर हो जाएगी। एक साइड आप एक्टिव वॉइस राइट कर दीजिए और दूसरे साइड पैसिव वॉइस। तो दोस्तों जैसे ही आप लोगों के सामने मैंने ये लिस्ट बना दी है एक्टिव वॉइस की, आपकी जो सेंटेंस होती है ये आपकी चेंज होते हैं, और ये जो है यहाँ पर फ्यूचर कंटिन्यूअस और ऑल परफेक्ट कंटिन्यूअस ये चेंज नहीं होते। समझिए सेंस क्या है इनका, थोड़ा सा बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर इंडेफिनिट किसी का भी हो, याद रखिए दोस्तों आप लोग पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फास्ट आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, फास्ट स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग। ओके आई थिंक सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा दोस्तों। तो यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ इंडेफिनिट, तो या बात करें इंडेफिनिट चाहे प्रेजेंट का इंडेफिनिट हो दोस्तों, या फिर पास्ट का इंडेफिनिट हो, चाहे कॉन्टिन्यूस, चाहे सॉरी फ्यूचर का इंडेफिनिट, सभी का क्या ये चेंज होता है, प्रेजेंट की कॉन्टिन्यूस मीन्स उसके तुरंत बाद वाले में चेंज हो जाता है। तो प्रेजेंट का आपको ऐसे याद करना है, आप अगर मैं चाहते हैं आप प्रेजेंट इंडेफिनिट लिखना फिर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में चेंज नहीं, आप सिंपली याद रखिए चाहे किसी का कॉन्टिन्यूस इंडेफिनिट हो वो उसी के कॉन्टिन्यूस में चेंज हो जाएगा। एक बात और याद रखिएगा, जो पैसिव वॉइस होता है उसमें टेंस चेंज नहीं होता है, रूल याद रखिएगा नो चेंज इन टेंस। नेक्स्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, नो चेंज इन टेंस। जो टेंस में चेंज नहीं करते, प्रेजेंट है तो प्रेजेंट रहेगा, पास्ट है तो पास्ट रहेगा, अगर आपका फ्यूचर है तो फ्यूचर रहेगा, याद रखिएगा ये चीज। बस उसी के सेकंड सब टेंस में चेंज हो जाता है, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो प्रेजेंट की कॉन्टिन्यूस में जाएगा, पास्ट का कॉन्टिन्यूस है तो पास्ट की कॉन्टिन्यूस में ही जाएगा, परफेक्ट का कॉन्टिन्यूस आपका प्रेजेंट का परफेक्ट है तो प्रेजेंट के परफेक्ट में ही चेंज होगा, और यदि पास्ट आपके मॉडल वर्ब, मॉडल वर्ब समझ लीजिए जैसे कैन दिया जाए, मे दिया जाए, माइट दिया जाए, ये आपकी कोई भी मॉडल वर्ब, जो आपकी मॉडल वर्ब्स होती हैं वो कोई भी मॉडल, आप लोग कमेंट करिए मॉडल वर्ब्स कितनी होती हैं, फास्ट कमेंट करिए, बाकी मैं यहाँ पर आपको राइट कर दूंगा कि मॉडल वर्ब कितनी होती। इसके बाद मैं एक एक सबका सेंटेंस आपको यहाँ पर समझा दूंगा। ये थोड़ा सा चीज ये टिपिकल रहती है, इसको समझिए कॉन्टिन्यूस जो है, कॉन्टिन्यूस को आपको कॉन्टिन्यूस में ही रखना होता है, सिर्फ उसकी वर्ब की अकॉर्डिंग उसमें बीइंग लगा देते हैं, क्या लगा देते हैं, बीइंग लगा देते हैं, माइंड सेट रखना बस। और थर्ड फॉर्म तो सब में फिक्स है, थर्ड फॉर्म सब में फिक्स है, अगर पैसिव वॉइस है तो थर्ड फॉर्म जरूर लगेगी, अदरवाइज पैसिव वॉइस के बिना जनरली थर्ड फॉर्म नहीं लगती। तो समझ में आ गया। दूसरा याद रखिए फ्यूचर कॉन्टिन्यूस का नहीं बदलता है, किसी का भी परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हो उसका चेंज नहीं होता है, और नो चेंज इन टेंस, टेंस में चेंजमेंट नहीं होता, चेंज जो टेंस है आपके प्रेजेंट का प्रेजेंट में रहेगा, पास्ट है तो पास्ट में, फ्यूचर है तो फ्यूचर में। अगर आप, मैं एक एक सभी के एग्जांपल्स करा देता हूँ, प्रेजेंट का एक इंडेफिनिट, पास्ट का एक इंडेफिनिट, फ्यूचर का एक इंडेफिनिट, सभी के कॉन्टिन्यूस और एक इंडेफिनिट चेंज करा देता हूँ। बाकी कोई भी डाउट है कमेंट करके बताइएगा दोस्तों, और आज मैं कोशिश करूंगा आप लोगों का ये जो असर्टिव सेंटेंस का प्रॉब्लम है असर्टिव का, वो आपका कन्फ्यूजन जो भी है वो क्लियर हो जाए, कोई भी डाउट आप लोगों का ना रहे। आज आपके मैं चार क्वेश्चन यहाँ पर राइट कर रहा हूँ, आप लोग उसके आंसर अगर पता है तो अच्छी बात, राइट करिएगा। एक इंडेफिनिट में करा चुका हूं, दूसरा मैं लिख देता हूं, सुधा इज ओपनिंग दिस बुक, सुधा इज ओपनिंग दिस बुक, तो फास्ट कमेंट करिए इसका आंसर क्या होगा। सेकंड, राम हैज परचेस्ड अ कार, थर्ड सेंटेंस, आई कैन कंपोज अ पोएम, फास्ट कमेंट करिए तीनों क्वेश्चंस के आंसर, देखते हैं कौन सा स्टूडेंट का आंसर फास्ट देता है, और आज आप लोगों का असर्टिव सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा, और जो नेक्स्ट लेक्चर रहेगा उसमें याद रखिए मैं आप लोगों को ये डिफरेंस बताऊंगा कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूस का चेंज क्यों नहीं होता है। अगर किसी को पता है आप लोग सर्च करिए, पहले आप पता लगाइए कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूस का, सभी ने आज तो ये तो बताया ही होगा कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूस चेंज क्यों नहीं होता है,
नहीं बताया ना, नहीं बताया होगा, बस ये बता दिया वो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस चेंज नहीं होता है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस चेंज नहीं होते, क्यों नहीं होते, क्या किसी ने बताया? नहीं बताया दोस्तों, मैं आप लोगों को नेक्स्ट लेक्चर में जरूर बताऊंगा, क्योंकि थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा हो रहा है, क्योंकि वो थोड़ा सा लेंथी टॉपिक है, वो चीज़ मैं अच्छे से समझाऊंगा आप लोगों को, तो इसको पहले चेंज करते हैं। तो मैंने आपको बताया था सबसे पहले आपको क्या चेंज चेक करना है, आइडेंटिफाई ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट आपने डिफाइन कर लिया, आपका ये ऑब्जेक्ट या आपका सॉरी ये सब्जेक्ट या आपका ऑब्जेक्ट है। दूसरा सेंटेंस का टेंस आपने चेंज चेक कर लिया, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। नेक्स्ट आप वही रूल फॉलो करते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, दिस बुक। क्या याद रखिएगा दोस्तों, कॉन्टिन्यूअस जो आपके पैसिव वॉइस होते हैं, एक्टिव वॉइस होते हैं, इनमें टेंस चेंज नहीं होता है। तो दिस बुक इज, पहले यहां पे सुधार लिख देता हूं, आदत पड़ जाएगी तो आप डायरेक्टली बनाने स्टार्ट कर इज। अब यहां पे समझिए आपको ये थर्ड फॉर्म यूज करनी है, क्या यूज करनी है, थर्ड फॉर्म। तो मान लीजिए आपने ओपनड यहां पे यूज कर दिया, सेंस समझिए यहां पर आई एन जी लगा है, तो ये माइंड सेट रखिए आई एन जी को तो हटाना नहीं है, तो यहां पे हम क्या लगा देंगे, बीइंग। क्या लगा, बीइंग, बी का मतलब समझिए, बी मींस होता है किसी काम के होने की प्रोसेस, होना, होने की क्रिया हो रही है, तो इसके मतलब क्या है, ये बुक सुधा के द्वारा खोली जा रही है, समझ में, खोली जा रही है मतलब प्रोसेस हो रहा है, इसलिए यहां पर बी को ही रखा जाता है, ओपनड बाय सुधा। तो दिस बुक इज बीइंग ओपनड बाय सुधा, मतलब क्या है, सुधा के द्वारा ये बुक खोली जा रही है, मतलब क्या, सुधा ये किताब खोल रही है, समझ में आया नहीं, इसका हिंदी सेंस समझिए, सुधा के द्वारा यह किताब खोली जा रही है, खोली जा रही है। कोई भी डाउट है दोस्तों कमेंट करिए, हाँ सर मुझे अच्छे समझ में नहीं आ रहा है, यहां पर सुधा जो है वो बुक खोल रही है। नेक्स्ट पॉइंट, राम हैज परचेस्ड आकार, पता है आपको, सबसे पहले इनको चेंज करते हैं, आकार हैज बीन, आपको पता है रूल वही है, यहां पर बाई राम यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे, बाई राम यूज करेंगे, और ये बी स्मॉल बना देता हूं, हैज बीन परचेस्ड बाई राम, समझ में आ गया होगा सभी को, चूंकि बहुत इजी है, अ पोएम इज, सॉरी यहां पे कैन दिया हुआ, तो मैंने आपको बताया था कैन बी क्या होगा, कैन बी कंपोज्ड बाई मी। दोस्तों कमेंट करके बताइए लेक्चर कैसा लगा आप लोग, आज के लेक्चर में मैंने आपको बहुत सारी चीजें बताई, एक दो सेंटेंस में आप लोगों को होमवर्क के लिए दे देता हूँ, एक दो सेंटेंस में होमवर्क के लिए दे देता हूँ दोस्तों, वो आपको राइट करने हैं, उनके आंसर्स आपको राइट करने हैं, कोई भी डाउट है कमेंट करिए फास्ट फास्ट दोस्तों, कमेंट करिए आप लोग। देखिए सेंटेंस में ले लेता हूँ, आई, बहुत छोटा सेंटेंस, नो हिम, आई नो हिम, मैं उसे जानता हूँ। दूसरा His project surprised me. उसके प्रोजेक्ट ने मुझे सरप्राइज कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस, He satisfied my father. He satisfied. चलिए तीन सेंटेंस मैंने आप लोगों के लिए दिए, होमवर्क है आप लोगों को राइट करना है, बाकी आप लोगों को कोशिश ये करिएगा ये जो क्वेश्चन है इनके आप राइट आंसर्स दें। ये कुछ स्पेशल रूल्स भी हैं इसमें, कुछ सिंपल रूल्स भी हैं, कमेंट करके बताइएगा दोस्तों कि ये होमवर्क आपको ढूंढना है, याद ढूंढना है आपको इनके आंसर्स क्या होंगे। लेक्चर कैसा लगा दोस्तों कमेंट करिएगा, मैंने आपको जैसे ही बताया था नो कमेंट ओनली कंटेंट, यही थीम रहेगी दोस्तों। और ऑलरेडी आप लोगों को पता है शाम को जो क्लास है, ये जो शाम को क्लास चल रही है आपकी, आपकी शाम को 7 बजे से क्लास रहती है, इसके बाद मॉर्निंग में 11 बजे भी क्लास रहती है आप लोगों की, और इसके साथ एक में चैप्टर पर डे आप लोगों के लिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ। किसी भी स्टूडेंट को कोई भी चीज समझ में नहीं आ रही है, दो चीज याद रखिएगा दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर करिए, ताकि आपके ज्यादा से ज्यादा दोस्त फ्री में क्लासेस ज्वाइन करें, क्योंकि लॉकडाउन का टाइम पीरियड चल रहा है, और लॉकडाउन का आई थिंक कुछ टाइम पीरियड के बाद लॉकडाउन हो सकता है, चांसेस हैं, कंडीशंस बन रही हैं। अगर लॉकडाउन खत्म होता है तो आप लोगों को स्कूल भी जाने का एक सुनहरा अवसर दोबारा से मिल पाएगा,
और कोई भी डाउट है कमेंट करिए दोस्तों, और अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। कैसा लगा लेक्चर कमेंट करिए जरूर बताइए दोस्तों। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।